सबसे पहला मेरा मुद्दा रहेगा रोजगार को लेकर के, पलायन को लेकर के, और हमारे हिचाकड़ विधानसभा के चांडिल डैम विस्थापित को लेकर के मेरा सबसे अहम मुद्दा रहेगा। और जैसे हिचाकड़ विस्थापित आज तक नियोजन नहीं मिला है, नियोजन के लिए दर दर भटक रहे हैं, विस्थापितों को मुआवजा नहीं मिला है, विस्थापितों को प्रत्येक साल दो बार डुबाया जाता है फिर उठाया जाता है ताकि वो परेशान होकर के इस क्षेत्र से भाग जाएं। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। तत्कालीन हम लोग वर्तमान सरकार भी देखे, पूर्व के सरकार भी देखे, हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि पढ़ लिख करके हम लोग को राजनीति करना पड़ेगा, किंतु हम लोग देखे आज 3 साल का आंदोलन में जनता का दुख दर्द से हम लोग रूबरू हुए, और आगे का हम लोग का जो भी केंद्र नेतृत्व का निर्णय हुआ कि हम लोग एक पार्टी के रूप में तैयार होंगे और हम लोग विधानसभा की ओर कूच करेंगे। इस बार देखिए ईचागढ़ के पूर्ण विस्थापित परिवार से मैं आता हूं, और मैं आशा करता हूं कि पूरे ईचागढ़ के चांडिल डैम विस्थापितों से कि मुझे भरपूर सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करके मुझे विधानसभा भेजें ताकि मैं वहां विस्थापितों को लेकर के आवाज़ उठा सकूं। और जो भी हम लोग का विकास पुस्तिका के पीछे तरफ लिखा रहता है जिसमें कि जमीन के बदले जमीन देंगे, विस्थापितों को नियोजन देंगे, शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, घर के बदले घर देंगे, लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ। 40 साल से बस खाली ईचागढ़ वासियों को ठगा जा रहा है, छला जा रहा है, विकास के नाम पर खाली धोखा, धोखा के सिवा और कुछ नहीं मिला। आज 40 साल से हम लोग बाहरी जो ईचागढ़ जो अपना ईचागढ़ विधानसभा में अपना वोट नहीं दे पाते हैं वो हमारे ईचागढ़ विधानसभा का नेतृत्व करते हैं। इस बार मैं ईचागढ़ वासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार विस्थापित भाई को देखिए और मुझे नेतृत्व करने का मौका दें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे विरोधी भी बहुत सारे हैं, जो अन्य दल के लोग हैं वो हमारे कुछ फेक आईडी बना के अपना अपना सोशल साइट में छोड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग का ऐसा पूरा संगठन में जेएलकेएम संगठन में ऐसा कुछ नहीं है, सब हम लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। आज भी आप देखें हजारों की संख्या में हम लोगों ने आया यहाँ, नामांकन जो रैली हम लोग निकाले थे आज यहाँ हम लोग आए अनुमंडल कार्यालय में। देखिए विरोध तो अभी तक हमने नहीं देखा है, और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा विरोध नहीं किया गया है, जो भी विरोध किया जा रहा है वो अन्य दल के नेताओं द्वारा किया जा रहा है। बाकी जो भी वैसा थोड़ा बहुत मनमोटाव अगर हुआ है तो उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और उनसे मैं भेंट करके अपना जो भी गिला शिकवा है उसको ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। तरुण जी, ईचागढ़ के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जो इस बार ईचागढ़ विधानसभा में बदलाव हो? देखिए सबसे पहले तो मैं ईचागढ़ वासियों को यही कहना चाहूँगा कि एक चांडिल डैम विस्थापित परिवार से आज तरुण महतो ने नामांकन फॉर्म भरा है, ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत दे करके हमें विधानसभा भेजने का काम करें, और मैं इस ईचागढ़ विधानसभा में चांडिल विस्थापित को लेकर के आवाज़ उठा सकूं। और जैसे कि हमारे पूरा ईचागढ़ में रोजगार का बहुत ही समस्या है, रोजगार के लिए हम लोग को बाहर जाना पड़ता है, उड़ीसा, बंगाल, महाराष्ट्र, नियोजन के नाम पे हम लोग को अभी भी जो भी प्राइवेट कंपनियां आ रही है वो ठग रही है, खाली बोल रही है कि हम लोग नियोजन देंगे, लेकिन नियोजन के नाम पे अपना देखिए कि उसमें जो हम लोग का सरकारी रेट है, न्यूनतम वेतन है, वो भी नहीं दिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे सरकार की ओर से ये ठगने का ही काम किया जा रहा है विकास के नाम पे। हम तो यही बोलेंगे कि जेएलकेएम परिवार को एक बार देखिए और विजयी बनाएं, विधानसभा भेजने का काम करें।